महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त सुर्खियों में है। अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने अब विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करना सबसे बड़ी चुनौती है। लिहाजा सियासी खींचतान के बीच भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक भाजपा ने फ्लोर टेस्ट से पहले बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए चार नेताओं की एक टीम भी बना दी है। नारायण राणे, राधा कृष्ण विखे पाटिल, गणेश नाइक और बबन राव पचपुते को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए बहुमत जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं एक ही बात बहुत नम्रता से कहूंगा कि आने वाले विश्वास मत दर्शक राव को हम बहुमत से मंजूर करेंगे और अगर महाराष्ट्र में कोई ऑपरेशन चल रहा है तो ऑपरेशन देवेंद्र और ऑपरेशन अजीत पवार है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बैठक में उपस्थित नहीं रह सके, उन्होंने पार्टी से उसके बारे में परमिशन लिए। जैसे उदाहरण के लिए सुरेश खाड़े जी, उनके सगे भाई का देहांत हुआ, वो आज नहीं थे। सुधीर भाऊ मनगुंडीवार, उनकी बेटी की शादी है, वो स्वस्थता के कारण नहीं थे। और बचे हुए और चार विधायक, उनको जिस ऑपरेशन का संदर्भ आप मुझे बता रहे हैं शायद उस काम में लगा है। गौरतलब है कि विधायकों की खरीद फरोख्त के डर से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों दलों ने अपने विधायकों को कड़ी निगरानी के बीच होटल में रखा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।